देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका मतलब क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स क्या है, मतलब क्या है? करंट का हीटिंग इफेक्ट, मतलब थोड़ा और डिटेल्स में अगर समझेंगे तो देखो, सिंपल वे में अगर एक सर्किट ड्रॉ करेंगे बैटरी के साथ, ये क्या है, रेजिस्टेंस, करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, होगा कि नहीं, करंट फ्लो होगा, अवेल करंट फ्लो होगा, हाँ शायद, शायद नहीं, यहाँ पे की को मैंने क्लोज कर दिया तो करंट यहाँ से फ्लो होगा। अभी देखोगे कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस से, ठीक है, अगर तुम रेजिस्टेंस को पकड़ के देखोगे तो ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, ठीक है, ये वायर भी गर्म हो सकता है, गर्म होगा बट बहुत कम होगा, बट ये रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो इसी के ऊपर एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जूल, जूल, जे ओ यू एल ई, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, इन्होंने एक लॉ दिया, जूल का एक लॉ है, ठीक है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। उन्होंने क्या बोला, ये जो हीट है, जो हीट यहाँ से निकलेगा, हीट वो कुछ कुछ क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो पहले जान लिया कि करंट के ऊपर डिपेंड करता है, बट कैसे डिपेंड करता है, देखो, हीट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब थोड़ा करंट जाएगा तो इसका स्क्वायर होके हीट के ऊपर डिपेंड करेगा, फॉर्मूला आएगा। उसके बाद जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना हीट ज़्यादा होगा। अभी बताओ, ये जो वायर है, वायर तो जनरली कॉपर का होता है, और ये सपोज निक्रोम का एक रेजिस्टेंस है, दोनों में किसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है, किसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ये कॉपर वायर का या फिर ये वाला निक्रोम वायर का, निक्रोम का ज़्यादा है। टेबल में उस दिन दिखाया था, एनसीईआरटी बुक का टेबल में, निक्रोम का ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा हीट होगा, कॉपर का कम है तो कॉपर में बहुत कम होगा, क्योंकि एज फिर से प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना हीट ज़्यादा होगा, समझ में आया। उसके बाद और एक चीज़ के साथ प्रोपोर्शनल होता है, वो है टाइम, कितना देर तक हम लोग करंट को पास कराएंगे, वो इम्पोर्टेंट है, समझ में आया। तो स्मॉल टी से हम लोग लिखेंगे टाइम। तो इन तीनों को मिलाकर एच, अगर कांस्टेंट को वन पकड़ते हैं तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, टी क्या है, टेम्परेचर नहीं है, टी टाइम है, याद रखना, ठीक है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये किसका लॉ है, जूल, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, समझ में आया। एच मीन्स हीट, हीट जो है आई स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, आर के साथ प्रोपोर्शनल और टाइम के साथ, याद रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है, दो मार्क्स का दे देगा कि राइट द जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। अभी एच तो क्या है, हीट है, हीट एक क्या है, एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत पहले तुम लोग डेफिनेशन पढ़ते, तो हीट और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट जूल, हाँ जूल होगा, जूल, हीट का जूल। और एक यूनिट है, वो है किलो वाट आवर, ठीक है, किलो वाट आवर, ये कहाँ से आया हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है।
इतना समझ में आया कि नहीं बताओ? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का बहुत एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में। एप्लीकेशन क्या क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन में नंबर वन आएगा इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ बिठाने के बाद वो गर्म हो जाता है, उसमें एक फिलामेंट रहता है जिससे करंट पास होता है और वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोला, इलेक्ट्रिक हीटर। उसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन से हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा को वो क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो ये करने से क्या होता है, पूरा वो जो कपड़ा होता है सीधा हो जाता है एकदम। तो ये इलेक्ट्रिक आयरन का मेन यहाँ पे प्रिंसिपल या फिर क्या है, देखो ऐसा होता है इलेक्ट्रिक आयरन जनरली ऐसे दिखने को होता है ना, और इसके अंदर देखो ऐसे फिलामेंट रहता है, यही रेजिस्टेंस है एक तरीके का। ये गर्म होता है तो नीचे वाला जो प्लेट है आयरन का वो गर्म हो जाता है, समझ में आया? ये कौन सा वायर है या फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये कौन सा वायर है? रेजिस्टेंस ज्यादा होना पड़ेगा इसका, है कि नहीं? तो ये है निक्रोम वायर, निक्रोम वायर है या फिर फिलामेंट जो है वो निक्रोम का है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन और भी बहुत जा, जैसे रूम हीटर, रूम हीटर होता है ना, ठंडा के मौसम में क्या करते हैं हम लोग, रूम हीटर, रूम हीटर में देखना ऐसे दो दो क्या होता है, बल्ब रहता है, लाइट देने के बाद ये पूरा रेड हॉट हो जाता है, होता है कि नहीं? तो इसके अंदर क्या है, निक्रोम वायर है, आग नहीं है वे, निक्रोम वायर है, समझ में आया? अगर इसको बल्ब को तोड़ोगे या फिर खोलोगे देखोगे इसके अंदर एक फिलामेंट जैसा है, वो निक्रोम वायर है, वो पूरा रेड हो जाता है जब करंट पास होता है, ठीक है, क्योंकि वो हीट एमिट करता है, हम लोग को हीट लगता है। सिंपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सिर्फ हम लोग करंट पास करेंगे और हम लोगों को क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। क्लियर है? एप्लीकेशन पूरा क्लियर? अच्छा देखो फॉर्मूला एक साथ लिख लेना, फॉर्मूला को देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला मिला अबेल, क्या है ये, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी एक हीट का फॉर्मूला है, यानी कि एनर्जी का। और भी फॉर्मूला मिलेगा हम लोग को, जैसे कि ओहम्स लॉ, क्या था, वी इक्वल टू आई आर था। तो अगर हम लोग सपोज आई को वी बाय आर लिख सकते हैं, आई का यहाँ पे हम लोग बिठाएंगे तो एच बन जाएगा, देखो आई के जगह पे वी बाय आर, तो वी बाय आर होल स्क्वायर आर टी, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, एच इक्वल टू क्या होगा, क्या आएगा, आई के जगह पे हम लोगों ने वी बाय आर बिठाया है कि नहीं, तो आर टी इधर है, तो वी स्क्वायर बाय आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये और एक फॉर्मूला है हीट का, सिमिलर वे में अगर हम लोग आर को रिप्लेस करेंगे यहां से, आर इक्वल टू वी बाय आई, हम लोग को क्या मिलेगा, एच इक्वल टू वी आई टी, वी आई टी, वी आई टी एक कॉलेज का भी नाम है, पता है वी आई टी कॉलेज का नाम पता है, नहीं पता जो औकात के बाद है, अच्छा वी आई टी, ठीक है।
मेरा फोटो तो उठा रहे हो क्या? ठीक है, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, तीन फॉर्मूला मिला हम लोग को। ये हाँ उठाओ एप्लीकेशन। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी पढ़ेंगे, हीट मिला हम लोग को, मतलब एनर्जी मिल गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में, पावर, एनर्जी, पावर सब कुछ पढ़ लेंगे। हैं बेटा? हाँ खत्म है, टॉपिक खत्म है। पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है? कौन सा वाला पार्ट? ये क्या, कौन सा? ये निक्रोम है, वी आई देखे, देखो पावर मीन्स क्या। नया टॉपिक है पावर। अरे पावर जब पढ़ोगे पावर होना चाहिए। है पावर? है पावर? बस पावर इक्वल टू हवा निकल गई ना। पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ, पहले जो हम लोग पढ़ते थे रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ पे भी सेम है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, दैट मीन्स पी इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन मतलब क्या? एनर्जी, या फिर एनर्जी भी लिख सकते हो, या फिर हीट भी लिख सकते हो, कोई भी एक। तो और देखे एनर्जी बाय टाइम, और देखे हीट बाय टाइम, एक ही बात है, राइट? तो हीट का मेरे पास कितना फॉर्मूला है? तीन फॉर्मूला। तो अगर टाइम को यहाँ से उठाएंगे, डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला मिलेगा? पावर का फॉर्मूला मिलेगा, तीन फॉर्मूला, वही तो वी आई लेके। तो पावर का तीन फॉर्मूला यहाँ पे लिखो, एक आ जाएगा यहाँ से आई स्क्वायर आर, पी आएगा वी आई, और एक आएगा वी स्क्वायर बाय आर, तीन फॉर्मूला मिला कि नहीं? देखो तीन फॉर्मूला, समझ में आया कि नहीं बताओ? बहुत इजी तरीके से इसको समझा के दिया, एकदम इजी। जूल लॉ से हीट आया, हीट से पावर आया, हीट का तीन फॉर्मूला, पावर का तीन फॉर्मूला, खत्म। देखो और मिडल में क्या है? एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट का, एप्लीकेशन। और भी कुछ एप्लीकेशन होगा तो बताओ तुम लोग, ठीक है? घर से सोच के आना और क्या क्या एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, और भी बहुत सारा है हीटिंग है। हाँ बहुत बहुत सारा है, गर्म हो जाता है, वही तो हीटिंग इफेक्ट, हम लोग को गर्म मिलता है। अच्छा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड पावर, जूल और किलो आवर, किलो वाट आवर। अच्छा यहाँ पे पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वो तो लिखना भूल गया। ऐसा यूनिट पावर का, ऐसा यूनिट वाट लगाएंगे, वाट। ठीक है, वाट, समझ में आया आर्यन? वाट लगाएंगे, ठीक है? वाट लगाना मतलब पावर, वो वाला वाट नहीं, ये वाला वाट, वाट लगाएंगे।
किलो वाट आवर और जूल में एक रिलेशन है। देखो जूल और किलो वाट आवर में एक रिलेशन है, बोल सकते हो क्या? क्या भाई बहन? वन किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। लिख लो ये 1 किलोवाट आवर और जूल के बीच रिलेशन। देखो किलोवाट आवर जो लिखा, किलोवाट आवर ये किसका यूनिट है? एनर्जी का, हीट यानी कि एनर्जी। तो ये किलोवाट आवर को हम लोग बोलते हैं यूनिट, वन यूनिट। करंट जब हम लोग यूज करते, मतलब करंट मतलब घर पे जो मीटर रहता है उसमें क्या देखोगे कि वन यूनिट लिखा होता है, कितना यूनिट हुआ बोलते हैं ना हम लोग। यूनिट मतलब क्या, एक्चुअली कितना किलो वाट आवर हुआ, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल। बताओ इतना जूल क्यों नहीं बोलते? बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, 10 to the power 6, इसलिए हम लोग ये नहीं बोल पाते। बोलोगे ये कि आज तो मेरा घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जितना आया उसका यूनिट आया कि 5.6 × 10⁻⁷ जूल, ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे। हम लोग बोलेंगे सिंपल 15, 20, 50 किलोवाट आवर इतना यूनिट आया, ठीक है, इसको हम लोग सिंपल यूनिट बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एग्जाम में आएगा कि कॉमर्शियल यूनिट कौन सा है। एक है ऐसा यूनिट जो जूल है और एक है कॉमर्शियल यूनिट जो है किलोवाट आवर। क्वेश्चन पेपर ऐसे ही देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आता है। बोर्ड के एग्जाम में छोटे छोटे पार्ट से 1 मार्क्स 2 मार्क्स हाफ ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा हर समय पूछता है। बस तब तो 100 out of 100 कौन रोक पाएगा, ठीक है, हैं? कोई है जो रोकने वाला? कोई नहीं है। तो कमर्शियल यूनिट अभी पता चल गया, अभी इसका सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा, ठीक है। बस फॉर्मूला याद है, छह फॉर्मूला, ठीक है।